हेलो केबल ऑपरेटर मित्रों, मैं आपको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिसके जरिए आप अपना सारे कस्टमर का हिसाब किताब और अपने कस्टमर को मैसेज अलर्टेशन भेज सकते हो। और ये एप्लीकेशन टोटली ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको हर बार हर सालाना उसको चार्ज भरना पड़ेगा, और ऑफलाइन एप्लीकेशन में आपको एक ही बार चार्ज भरना पड़ता है। और ऑफलाइन एप्लीकेशन का जो डेटा है वो आपके पास ही रहता है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेटा वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके सर्वर में चला जाता है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और इस एप्लीकेशन का नाम है webZine। तो webZine क्या है और इसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या काम कर रही है, आपको क्या सपोर्ट कर पाएगी, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन का मेन पेज है। तो मेन पेज में क्या है, तो सर्च है, ऐड क्लाइंट है, मर्ज डेटा है, गेट रिपोर्ट्स है, एक्सपायरिंग अलर्ट है, एक्सपायरिंग क्लाइंट है, रिस्टोर बैकअप है, बैकअप है, जो चेंज रेंट है, मैनेज एक्सपेंस है। तो ये सब सारे फीचर्स है, सेंड अलर्ट है। तो इसमें इधर क्या है, तो इसमें सेटिंग दिया हुआ है, ऐड लाइसेंस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस है। तो सेटिंग में क्या है, तो सेटिंग में आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो सेटिंग में अभी डेटा ऑटो रिफ्रेश है। तो जो डेटा बेस फाइल है, जो रेंट है कस्टमर का, वो ऑटोमेटिकली अपडेट करना है, तो आपको डेटा रिफ्रेश ऑन रखना पड़ेगा, तो अपने आप जो एप्लीकेशन है वो काम कर पाएगी। और जो डेटा रिफ्रेश ऑन नहीं रखते, तो आपको उसको एप्लीकेशन में जाके रिफ्रेश नाउ करना पड़ता है मैन्युअली। और इसमें ऑटो मैसेज है, तो आप जब भी पेमेंट करते हो तो मैन्युअली मैसेज भेजना है, तो ऑटो रखना है उसको। तो आप पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, वो ऑटो मैसेज है। और इसमें और भी आगे है, तो इसमें ऐड लिंक है। तो ऐड लिंक में क्या है, तो ऐड लिंक में जो आप केबल चला रहे हो वो ही है, कि मैं सिटी केबल चला रहा हूँ, मान लो सिटी केबल है, तो उसका लिंक है कि HTTP, उसका कोई भी ऐप होती है ऑनलाइन, उसका वो एक लिंक होता है, तो उसका लिंक है www.city.com। तो ऐसा एक लिंक होता है, वो लिंक डालना पड़ेगा। तो इधर मैंने डाल दिया सिटी का। ऐसा दूसरा कंपनी का आप भी चला रहे हो या NXT का, तो NXT, तो NXT में उसका लिंक है, मान लो कि NXT portal.com। तो ऐसा लिंक है, तो NXT अभी मैंने डाल दिया, अभी देख लो। तो NXT तीन लिंक डाल दिया मैंने, तो ऐसा लिंक डालना पड़ेगा आपको। और इसके बाद आपको होम पेज पे मैं चला जाता हूँ अभी। इसके में इसमें सेटिंग का पूरा ऑप्शन दिखा दिया आपने। सेटिंग में पहले आपको एप्लीकेशन में क्या करना है, लाइसेंस डालने से पहले उसको सेटिंग में जाके ये पूरा फीचर्स दिया हुआ है। अभी मैं आपको ऐड लाइसेंस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, कि आप अभी मेरी एप्लीकेशन का डेमो यूज़ करना चाहते हो। तो डेमो यूज़ करना चाहते हो तो आप इधर कोई भी वर्ड्स डाल दो, कि आपका नाम ही डाल दो ना, ऐसा SHO केबल नेटवर्क का नाम आपका डाल दो ना, कि शिव केबल एंटर केबल ऑपरेटर नेम है, तो आपका नाम ही डाल दो। और आपका जो कंप्लेंट में मोबाइल नंबर आपने कस्टमर को दिए रखे हुए हैं, तो वही नंबर डाल दो। और उसका जो एप्लीकेशन का फ्यूचर्स है वो
पासवर्ड के हिसाब से खुलता है, तो आपके हिसाब से कोई भी आपको जो याद है वही पासवर्ड डाल दो, और इसके बाद ऐड लाइसेंस पे क्लिक कर देना, तो आपका 20 काम के लिए डेमो रजिस्टर हो जाएगा। ये ऐड लाइसेंस का ऑप्शन है। इसके बाद आपको इसके सर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आपको ऐड क्लाइंट के बारे में बता दो, जो भी कोई कस्टमर आपको ऐड करना है, कि मैं कस्टमर नंबर 5004 लगा रहा हूँ, तो एक कस्टमर नंबर है हमारी एप्लीकेशन का, एक नंबर है, ये एक नंबर से स्टार्ट होगा, जो भी आपको देना है वो भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, और उसका नाम है दारोगे यानी कि विपुल भाई एम पटेल। उसका एड्रेस है नवापरा, विलेज है बलोल, और कनेक्शन चार्जेस है उसका 500 रुपीज़। इसका फ़ोन नंबर है 9825690828282। रेंट है उसका 250 रुपीज़, और इसका STB अकाउंट नंबर है, कोई भी डाल दो इधर, और इसका कोई भी इधर डाल दो, NUID कैप नंबर है, कोई भी डाल दो, जो आपका है तो वही सही डाल देना, नहीं है तो कोई भी डाल देना, और GTPL है या NXT है या कौन से कस्टमर है, तो NXT का है तो NXT का नंबर डाल दो, और इसको प्लान में डालना है, कंटिन्यूस में डालना है या मैनुअल में डालना है। तो प्लान क्या है, कंटिन्यूस क्या है, तो कंटिन्यूस क्या है कि हमारा जो पोस्टपेड कनेक्शन चला रहे हो उसको कंटिन्यूस में डालना पड़ेगा, और जो आपको प्रीपेड कनेक्शन चला रहे हो उसको प्लान में देना पड़ेगा। तो इधर मैं आपको कंटिन्यूस में डाल रहा हूँ, तो कंटिन्यूस में उसका कनेक्शन मैंने अभी मेरा डेटाबेस बना रहा हूँ, तो उसका 20 तारीख को मैंने कनेक्शन चालू किया है हुआ, तो 20 तारीख से उसका रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया अभी। तो ये पूरा ऐड क्लाइंट का फीचर्स है, ऐसे आपको सारे कस्टमर को एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैं सर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्च में क्या है, तो सर्च में आपको सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो सर्च में अभी मैंने क्लिक किया कि आपको कस्टमर को सर्च बाय नेम से भी क्लिक करना है, सर्च बाय कस्टमर नंबर से, तो अभी मैंने 5004 नंबर डाला हुआ था, तो उसको मैंने को सर्च करना है, तो 5004 लिखा, सर्च बाय NUID या सर्च बाय एड्रेस या सर्च आपको सिटी के हिसाब से करना है, तो बलोल के हिसाब से बलोल में डाला हुआ है, या वन के हिसाब से सर्च करना है, तो इधर सब दिया हुआ है। तो अभी विपुल भाई एम पटेल उसका 750 रुपये बाकी हुआ है, तो उसका 20/8 को कनेक्शन चालू किया था, 19/9 को बंद होने वाला है, और वो कनेक्शन है कंटिन्यूस। तो आप जब भी कंटिन्यूस में कनेक्शन देंगे, तो कंटिन्यूस वाला कनेक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा, वो कनेक्शन का जो रेंट है ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, वो 750 रेंट है, अगले बार जो 200-250 उसका उधारना है, तो 20 तारीख के बाद 21 तारीख को ऑटोमेटिकली उसका हिसाब अपडेट हो जाएगा, वो कंटिन्यूस का हिसाब से चल रहा है। अभी कंटिन्यूस और मैनुअल में क्या फ़र्क है मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको कैसे मालूम होगा कि कंटिन्यूस कौन से है या मैनुअल कौन से है। तो आपको ये दो लाइन दिख रही है, दो कस्टमर की लाइन दिख रही है, इसमें एक ग्रीन लाइन में है और एक ब्राउन लाइन में है। जो ग्रीन वाला है प्लान में दिया हुआ कस्टमर है, तो जो प्लान में दिए हुए कस्टमर है वो हमारी एप्लीकेशन में वो एंड तारीख पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, 24/9/2017 को ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, वो ऐसे चलता है। और अभी मैं विपुल भाई एम पटेल वाला कनेक्शन का ओपन किया, तो इसमें क्या है कि उसका लॉगिन नंबर दिया हुआ है, उसका नाम है, एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका स्टार्ट डेट है, उसका एंड डेट है, उसका रेंट क्या है, उसका कनेक्शन ऑन है अभी, और उसका पेमेंट डालने के लिए उसका एंटर पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसका रेंट रिकॉर्ड पेमेंट रिकॉर्ड हो, तो उसका रेंट रिकॉर्ड या पेमेंट रिकॉर्ड में क्या है, तो पेमेंट रिकॉर्ड में अभी कुछ नहीं डाला हुआ है, तो रेंट रिकॉर्ड में उसका देखते हैं, तो उसका पेमेंट अमाउंट ड्यू है, दो अमाउंट है, जो 500 वाला कनेक्शन चार्जेस है वो, और जो 250 वाला है उसका रेंट का जो
डिटेल्स है। उसका रेंट है 20-8-2017 को शुरू हुआ था कनेक्शन और 19-9-2017 को बंद होने वाला है, तो उसका रेंट का डिटेल्स है। अभी मैं आपको एंटर पेमेंट के बारे में पेमेंट डाल के दिखा रहा हूँ, तो उसका पेमेंट उसने 500 रुपये मेरे को दिया, 750 रुपये मेरे को लेना था और 500 रुपये दे रहा है। तो अभी मैंने क्लिक किया ऐड पे, तो उसका पेमेंट उसका अकाउंट में चला गया, तो बलोल में उसका 500 रुपये जमा हो गया 25-8-2017 को। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, तो उसका मैसेज है, मैसेज सिस्टम है, तो कॉल भी कर सकते हो कस्टमर को, या मैसेज करना है तो मैसेज भी कर सकते हो डायरेक्ट एप्लीकेशन में से आपको। तो उसका श्री एम केवल 2004 विपुल भाई एम पटेल, योर पेमेंट ऑफ RS 500 रिसीव ऑन 25-8-2017, उसने 500 रुपये मेरे को दिया हुआ है 25-8-2017, थैंक यू। टोटल ड्यू टिल 19-9-2017 तक उसका बाकी है 250, वो पूरा मैसेज उसको इन्फॉर्म हो रहा है। अभी मैं आपको ड्यू अलर्ट का मैसेज दिखाने जा रहा हूँ, तो ड्यू अलर्ट में उसका 250 बाकी है, उसको भेजना है तो ऐसे क्लिक करना है तो उसको मैसेज चला जाएगा, और उसको प्लान अलर्ट का मैसेज भेजना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो प्लान अलर्ट का चला जाएगा। और ये पूरी सारी डिटेल्स है वो कस्टमर का। अभी मैं आपको एक बहुत अहम फीचर्स बताने जा रहा हूँ, जो है लॉगिन। आपको दिक्कत हो रही है लॉगिन करने में, कि उसका बॉक्स चालू करना हो तो उसका जो लॉगिन नंबर हो वो ढूंढना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है, तो हमारी एप्लीकेशन वो क्या काम कर रही है। तो अभी मैंने इधर काम किया, तो इधर क्लिक किया तो उसका जो लिंक है वो ओपन कर देगा, जो nxtportal.com है। मैं अभी, मेरा NXT का केबल नहीं है इसलिए उसका पोर्टल नहीं ओपन हो पाएगा, लेकिन अभी मैं GTPL में चला रहा हूँ। तो GTPL में क्या है कि अभी ये लॉगिन नंबर क्लिक किया तो GTPL में ओपन हो जाएगा। देखो इधर GTPL.com साथ ही मेरा ओपन हो रहा है, क्योंकि मेरा अभी नेट है चला गया है थोड़ा, ये ओपन हो गया GTPL साथ ही। उसको लॉगिन किया मैंने, लॉगिन करने के बाद आपको इधर नंबर डालना पड़ता है, कि जो सीरियल नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो डालना पड़ता है। तो मैंने अभी अकाउंट नंबर पे क्लिक किया हुआ है, तो अकाउंट नंबर इधर पेस्ट कर दिया मैंने। तो ऐसे हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नंबर कॉपी करके इधर लेके आता है, तो ये वो भी आपको बार बार दिक्कत चली जाएगी कि कस्टमर का अकाउंट नंबर क्या है क्या नहीं है, वो भी डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में ही चला जाएगा। और ये सब पूरा सर्च का डिटेल्स है। सर्च में कोई क्लाइंट का अपना एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर एडिट करना है तो एडिट क्लाइंट में जाना पड़ेगा इसके अकाउंट ओपन करने के बाद। तो एडिट क्लाइंट में जो भी चेंज करना है वहाँ क्लिक करके साफ करके दोबारा लिख देना, और इसका लिखने के बाद अपडेट कर देना तो अपडेट हो जाएगा। वो पूरा सर्च का ऑप्शन है, मैंने सर्च का पूरा बता दिया। अब नया फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, तो इसके बाद मैं आपको मर्ज डेटा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मर्ज डेटा है, तो मर्ज डेटा में क्या है, तो इधर मैंने इसका पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो मर्ज डेटा में क्या है कि आप 2000-3000 कनेक्शन चला रहे हो और 2000-3000 कनेक्शन आप खुद कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या है कि जो कस्टमर का फाइल है, जो अलग अलग बंदे आपने रखे हैं कलेक्शन के लिए, उसको पूरा एप्लीकेशन दे देना है और उसको अलग अलग फाइल क्रिएट करके आपको देना है, और उसका फाइल जो है वो जो सब कर बंदे कलेक्शन कर रहे हैं उसके पास। मर्ज फाइल में क्या है कि अभी मेरा बिहार का फाइल चल रहा है, उसमें लोन का फाइल मर्ज करना है, तो मैं अभी लोन के फाइल पे क्लिक कर दूंगा तो बिहार की फाइल में उसका मर्ज हो जाएगा डेटा। तो ऐसे आपको सारे बंदे का फाइल इधर आ जाएगा, इसके बाद आप एक एक फाइल करके ऐसे एक फाइल में मर्ज कर पाएंगे, तो पूरा डेटा एक ही फाइल में हो जाएगा। ऐसा है मर्ज फाइल का ऑप्शन। और अभी मैं आपको गेट रिपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गेट रिपोर्ट्स में क्या है कि अभी मेरे को 25 अगस्त 2017 का पूरा कलेक्शन देखना है, कि मेरा बंदा है बलोल वाला तो उसने कितना कलेक्शन किया हुआ है, तो फुल पेड में। तो अभी रिपोर्ट ले जा रहा हूँ, तो इसने पूरा 1250 रुपये का कलेक्शन किया है, दो कस्टमर का कलेक्शन किया, ये कस्टमर दोनों ऑन है। और इसका रिपोर्ट निकालना है तो उसको सेव करने के लिए एक्सपर्ट टू एक्सपल करना पड़ेगा, तो वो फाइल अपने
डिवाइस में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपको जो प्रिंट निकालनी है तो निकाल सकते हो। वो पेड का रिपोर्ट है, वो भी ड्यू का रिपोर्ट लेना है मेरे को। तो मेरा ड्यू का रिपोर्ट बलोल में लेना है, तो 19 तारीख को एक कनेक्शन चालू था तो उसका ड्यू रिपोर्ट है। तो ड्यू में अभी विपुल भाई एम पटेल का 250 रुपये मेरे को लेना का बाकी है। तो ये ड्यू रिपोर्ट का ऑप्शन है, उसको सेव करना है तो उधर जाके एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना पड़ेगा, तो वो फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद ये पूरा रिपोर्ट्स, गेट्स रिपोर्ट्स का डेटा है। अभी मेरे को एक्सपायरिंग क्लाइंट है, तो एक्सपायरिंग क्लाइंट क्या है कि जो आपने प्लान में रखे हुए कनेक्शन है वो सारे कस्टमर का डिटेल्स, 5 दिन पहले का डिटेल्स आ जाता है कि कोई कनेक्शन है तो वो 28 तारीख को बंद होने वाला है, 30 तारीख को, 29 तारीख को, जो तारीख को बंद होने वाला है जो कस्टमर, उसका 5 दिन पहले अपना एप्लीकेशन रिपोर्ट्स दे देता है। और ये सारे कस्टमर को मेरे को मैसेज भेजना है कि आपके ये तारीख को कनेक्शन बंद होने वाला है, तो वो एक्सपायरिंग अलर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पूरे सारे कस्टमर को उसका डेटा चला जाएगा कि ये तारीख को ये कस्टमर बंद होने वाला है। और अभी मैं अगले फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है बैकअप। बैकअप क्या है कि जो अभी बैकअप के क्लिक किया मैंने, तो क्या है कि मैंने जो सॉफ्टवेयर में काम किया वो एक अलग फाइल बन के अपने डिवाइस में चैनल बैकअप के फोल्डर में चला जाता है, सेव हो जाता है। तो वो बैकअप करने से क्या होता है कि पूरा फाइल आपका अलग बंद हो जाता है सॉफ्टवेयर के अलावा, तो इसका बेनिफिट है। बैकअप, बैकअप का फाइल जो वापस लाने के लिए रिस्टोर बैकअप में जाना पड़ता है। और बैकअप वाली फाइल है जो कहाँ से होती है, किस नाम पे सेव होती है, तो चैनल बैकअप के नाम से सेव होती है। इसमें सारे महीने की अलग अलग फाइल बनेगी, और तुम्हारा जो फाइल लेटेस्ट है वो चालू महीने का जो फाइल है वो अपना लेटेस्ट फाइल बनता है। और नेक्स्ट फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, सेंट अलर्ट है। तो सेंट अलर्ट में क्या है कि आपको सारे कस्टमर को या अपने चॉइस वाले कस्टमर को, कि बारोट वाले कस्टमर हैं, बारोट ज्ञाति के कस्टमर को मैसेज भेजना है। तो इधर बारोट वास पे क्लिक करके, ऐसे देवड़ा के आसोड़ा वाले कस्टमर है बारोट में जो लोग, उसको मैसेज भेजना है, तो उसका पूरा डिटेल्स है। तो इधर से उसका डिटेल्स आ गया, इसके बाद उसको मैसेज भेजना है कि पेड वाला, ड्यू वाला या कस्टमाइज। तो कस्टमाइज में क्या है कि लिख के आपको मैसेज भेजना है, ड्यू वाले में क्या है कि आपका जो ड्यू है पेमेंट उसको भेजना है। तो ऐसे सेंड अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे जो ड्यू कस्टमर है उसको मैसेज चला जाएगा, ऐसा वो सेंड अलर्ट का सिस्टम है। और अभी मैं आपको एक फ्यूचर से मैनेज एक्सपेंस, तो मैनेज एक्सपेंस में क्या है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें आपकी जो लेन देन है उसका डिटेल्स रखना है, तो इसमें मैनेज एक्सपेंस में जाके आप कर सकते हो। जो एक्सपेंस है, दो एक्सपेंस यानी कि खर्चा आपका, तो आपने किसी को पैसे दिया तो किसको दिया है कि विपुल भाई का पगार दिया, विपुल भाई यानी कि आप पगार, तो कौन कितना पगार देते हो, तो 8,000 रुपये, ये तारीख को उसको पेमेंट किया है तो एक्सपेंस में चला जाएगा। और इनकम में, तो इनकम में क्या है कि मेरा जो बंदा है बलोल वाला, तो बलोल वाला बंदा में इसका नाम लिखना है, तो विपुल, तो विपुल विपुल लिखना है मेरे को, लेकिन अभी दिक्कत रही है। हाँ, तो विपुल लिखना है, तो विपुल लिख दिया, उसने मेरे को 5,000 कलेक्शन लेके दिया है, तो उसको ऐड करना है, तो ये इनकम में ऐड हो गया। वो सारे एक्सपेंस इनकम आपको देखना है कि आज की तारीख पे कौन से इनकम एक्सपेंस किया था मैंने, तो मैंने 8,000 विपुल का पगार दिया हुआ था। और इसका इनकम देखना है तो इनकम देखना पड़ेगा, तो इनकम में बलोल विपुल का कलेक्शन हुआ है 5,000 का आज तारीख को। वो सब ऐसे मेंटेन आपका बिजनेस का हिसाब किताब लेन देन का रख सकते हो मैनेज एक्सपेंस में। और मैं एक
अगले फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारी एप्लीकेशन है पूरी ऑफलाइन है और इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, क्या बात बतानी है वो बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो चैनल बैकअप का फाइल है वह कहाँ सेव होता है। तो माय फाइल में जाके ऐसे डिवाइस स्टोरेज में चला जाना, इसमें चैनल बैकअप का फोल्डर है, तो वहाँ आपका जो बैकअप किया हुआ वो हर महीने का फाइल इधर पड़ा रहेगा और आपको जो रिपोर्ट लिया है वो रिपोर्ट चैनल रिपोर्ट के फाइल में पड़ा हुआ है इधर। और एक फीचर्स और के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपका मोबाइल में तो है आपका डेटा, लेकिन आपको क्लाउड बैकअप में डेटा करना है तो हमारी तो दो एप्लीकेशन है, जो वन SYNC जो वो एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन के जरिए आप अपना डेटा क्लाउड में भेज सकते हो। तो इसमें क्या है कि इधर क्लिक कर देना पड़ेगा आपको, इसके बाद आपका डेटा है तो आपके मेल एड्रेस में क्लाउड में चला जाएगा। तो मेरा मेल एड्रेस इधर लिखा हुआ है, तो पूरा मेरा डेटा है मेरा क्लाउड में चला जाएगा, अभी रनिंग लिख रहा है, तो इसके बाद फाइल लेके चला जाएगा। तो अभी स्टार्ट हो रहा है, देख लो। तो ये मेरा डेटा अभी चला जा रहा है, जो चैनल बैकअप में से लेके info.db VR की फाइल जा रही है अभी, तो VR की फाइल अपलोडिंग है, .mb की फाइल अभी तक हुई है मेरी, तो पूरा डेटा मेरा अभी चला गया। वो डेटा आपको वापस लाना है तो वो कौन से फोल्डर में होगा, तो उसका जो एप्लीकेशन है तो वन ड्राइव है, तो वन ड्राइव में उसका डेटा पड़ा होगा, तो इसमें वो डेटा है webZine करके, webZine फोल्डर में अभी VR का डेटा पड़ा हुआ है मेरा। ये डेटा मेरे को वापस अपनी एप्लीकेशन में लाना है, तो वहाँ से हमको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद वहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद आपको चैनल बैकअप में डालना है और उसको सेव कर देंगे तो आपका डेटा वापस अपनी एप्लीकेशन में चला जाएगा। ऐसे आपको सिक्योर है आपका डेटा क्लाउड में भेज के, और आपका कभी फ़ोन गुम हो जाए या उसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा या रिसेट करना पड़ेगा, तो आपका डेटा आपका सिक्योर रहेगा, आपका क्लाउड बैकअप होगा, तो वो ऐसे क्लाउड बैकअप कर सकते हो। तो ये पूरा एप्लीकेशन है हमारा ऑफलाइन है, उसका पूरा डिटेल्स दे दिया हमने आपको, और जो भी कस्टमर को जो केबल ऑपरेटर मित्रों को चाहिए वो मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप एप्लीकेशन ले सकते हो। तो मेरा नंबर है 9586 78772 95 76 78 72।